रियासत की सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति कितनी वचनबद्ध है, इसका ताजा प्रमाण स्कूल की हालत को देखने पर मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामबन जिला के बास में पढ़ते गवर्नमेंट हाई स्कूल की, जहाँ पर बच्चे खुले आसमान के तले पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हाल ही में पैंथर पार्टी के महासचिव सेवा सिंह वाली ने स्कूल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उनका कहना है कि 2012 में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 39,91,000 रुपए की लागत से स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी और कागजों में इसे स्कूल को हैंडओवर कर छाया गया है। बिल्डिंग को ताला लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल में 200 के करीब विद्यार्थी हैं, जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सेवा सिंह ने कहा कि सरकार को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ की आवाम ने हमें दावत दी थी, तो वहाँ पर हम जब गए तो वहाँ पर एक स्कूल के कुछ मसले थे वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग के, तो जिसमें मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ से सरकारी खजाने से लाखों रुपया निकाला जाता है डेवलपमेंट के नाम पर या स्कूल बिल्डिंग्स के नाम पर, और दूसरी तरफ ज़मीनी सतह पर कुछ और ही देखने को मिलता है। जैसे हम वहाँ पर डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक बास हाई स्कूल जो रमसा के तहत 2012-13 में उसको बिल्डिंग सेंक्शन हुई थी, तो उसका काम किया गया, जो अभी तक उन्होंने स्कूली बच्चों को हैंडओवर नहीं किया है। स्कूल को जो पीडब्ल्यूडी ने बिल्डिंग बनाई है तो उसको हैंडओवर नहीं किया गया है स्कूल को, तो जिसमें हमने वहाँ पर जब कागजी कार्रवाई जब की देखा तो उसमें ये वहाँ के डिपार्टमेंट ने जो एडब्ल्यू इस पीडब्ल्यूडी का जो एडब्ल्यू साहब हैं वो इतने लटर मस्ती से काम करते हैं कि जैसे लाखों रुपया इसमें 39,91,000 रुपया जो पैसा है कंप्लीट ड्रा हो गया है, और उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है और कागज़ों में कंप्लीट हैंडओवर बताया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम ये मांग करते हैं कि अगर इस एडब्ल्यू के खिलाफ मंत्री साहब से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से ही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर इस एडब्ल्यू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम मजबूर होकर ये सारा रिकॉर्ड लेके विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाके हम इंसाफ के गुहार वहाँ पर लगाएंगे। जैसे मैं खुद वहाँ पर गया इलाके में, वहाँ लोगों ने सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ जमा थे और बच्चों का 300 के करीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जब दो ही स्कूल में दो कमरे जो हैं जिस पर वो हाई स्कूल मुश्तमिल है, और जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो हमारे बच्चों के साथ वहाँ नाइंसाफी हुई है, बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने पर मजबूर किया गया है, तो मैं कहता हूँ इस एडब्ल्यू जिसने ये लापरवाही की है, ऐसे एडब्ल्यू को नौकरी करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। जो उससे जब रब्ता किया गया तो वो उसको टस से मस नहीं होता है। दूसरा, उसी सिलसिले में एक यहाँ पर हमारा जो मुंसिप कोर्ट का फाउंडेशन स्टोन भी उसी एडब्ल्यू के ज़रिए वहाँ पर उसके निगरानी में बनाया गया, तो जब हम एक्शन साहब के पास गए कि वो डैमेज हो गया है फाउंडेशन स्टोन, वो प्लेट्स जो टी साहब का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर साहब का नाम उस पर था, अपने हक खान साहब का नाम उस पर था, बाकी चार जजेस का नाम उस पर था, उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किए। रामबन से सज्जाद चौपन, अलर्ट इंडिया न्यूज़।